कलयुग में जहां होना है कल के अवतार, वहां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विशाल मंदिर का शिलान्यास। जिस धरती पर है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होने की मान्यता, उसी पवित्र जगह पर पीएम मोदी करेंगे भगवान कल्कि को नमन। दिन सोमवार, तारीख 19 फरवरी। पीएम मोदी इसी दिन इस कल्कि धाम में आने वाले हैं और यहां करने वाले हैं विशाल मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के इस दौरे की हर खास बात आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में पीएम मोदी कदम रखने वाले हैं और यहां भगवान कल्कि के महाअवतार की जगह पर भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, उसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची संभल के एंचोड़ा काम्बोह के कल्कि धाम में। धरती पर जब जब पाप का घड़ा भरेगा, तब तब पापियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। और ऐसे में कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार होगा, जो कि एक सफेद रंग के घोड़े पर, जिसका नाम देवदत्त होगा, सवार होकर वो आएंगे। ऐसे में कई कथाएं प्रचलित हैं, और यही जानने के लिए आज टाइम्स नाउ नव भारत की टीम संभल की उस धरती पर मौजूद है जहां कल्कि धाम का निर्माण जो है वो शुरू होने वाला है, और शिलान्यास की तैयारियां यहां कर ली गई हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए यहां पर पहुंचेंगे। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ ही सियासत में भी सक्रिय रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर ली। अब कांग्रेस से अलग हैं। इस वक्त प्रमोद कृष्णम का पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर है। कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, तब उन्हें समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। यानी वो उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, जब जब इस धरती पर धर्म को लेकर हानि होगी या फिर अधर्म जो है वो बढ़ता जाएगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होऊंगा। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कलयुग में भी, जब कल्कि अवतार जो हैं वो आएंगे और अगर पाप का जो घड़ा भरता चला जा रहा है उसे खाली करेंगे। लेकिन ये कल्कि अवतार हैं कौन, कब वो अवतार लेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल पहुंच चुकी है, जहां कल्कि धाम की जो पूरी तैयारियां हैं, देखिए वो लगभग हो चुकी हैं, अंतिम चरण में है, और 19 तारीख को शिलान्यास होगा धाम का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात, पिछले कई सालों से धाम की तैयारियों में लगे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम काफी ज्यादा आप व्यस्त लग रहे हैं। पहले तो बताइए कि ये कल्कि धाम के ये जो शिलान्यास की तस्वीरें मैं देख रही हूँ जब से संभल आई हूँ, तैयारियां हो गई हैं या अंतिम चरण में है? पीएम के आने को लेकर यहाँ पर कितना उत्साह है? सवाल तैयारियों का नहीं है, सवाल प्रतीक्षा का है, सवाल प्रार्थना का है, सवाल उत्सुकता का है, सवाल उत्साह का है, सवाल उमंग का है, सवाल उत्सव का है। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को होने जा रहा है। यहाँ आपके मन में एक बात घूम रही होगी कि आखिर कल्कि अवतार का रूप क्या होगा और कल्कि के अवतार को लेकर धर्म शास्त्रों में क्या लिखा गया है। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद हिंदू मान्यता के मुताबिक 10वां अवतार कल्कि के रूप में होने वाला है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की माने तो ये पवित्र भूमि भगवान शिव से जुड़ी रही है। आचार्य जी, सबसे पहले तो जो लोग कल्कि अवतार के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कल्कि अवतार कौन होगा, कैसा ये अवतार नजर आएगा और कब वो अवतरित होंगे, वक्त को लेकर पुराणों में क्या कुछ कहा गया है, ये भी जरा हमें समझाइए। सृष्टि को, पूरे इस काल चक्र को 4 भागों में विभाजित किया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान विष्णु के 10 अवतार होने का उल्लेख है, जिसमें 9 अवतार हो चुके हैं, जिसमें भगवान श्री राम अयोध्या में आए, भगवान कृष्ण मथुरा में आए, और भगवान परशुराम का अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब हो चुके हैं। अब 10वां और अंतिम अवतार होना है, जिसको श्री कल्कि के रूप में जाना जाएगा और पुराणों में जिसका उल्लेख है। श्री कल्कि अवतार को निष्कलंक अवतार भी कहा गया है। श्री कल्कि अवतार संभल की धरती पर होगा, ये भी पुराणों में मेंशन है। जैसा मैंने अभी एक श्लोक का उदाहरण दिया, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, तो ये संभल मेंशन है। इस संभल को
आदि काल में शंभल के नाम से जाना गया था। ये संभल शंभल है, शंभु से शंभल बना। एक सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि ओडिशा में भी एक संभल है, तो फिर यूपी के संभल में ही कल के अवतार होने की मान्यता इतनी मजबूत क्यों है? हमने इस पर भी प्रमोद कृष्णम से सवाल किए। लोग कहते हैं संभल तो ओडिशा में भी है, संभल यहाँ पर भी है, लेकिन पुराणों में इस संभल का जिक्र जो है इसके कुछ जीते जागते ऐसे यहाँ पर उदाहरण हमने देखे हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि कल की अवतार यही होगा, वो जरा उदाहरण भी हमें बताइए। पुराणों में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा उस संभल में 68 कूप 68 तीर्थ 19 कूप ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होंगे। वो 68 तीर्थों का जिक्र पुराण में है, स्कंद पुराण में भी है, और इन सब पुराणों में संभल महात्म्य नाम से 27 अध्याय हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट रूप से है, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। कलयुग की उम्र अलग अलग मान्यताओं के मुताबिक तकरीबन 4,64,000 से ज्यादा साल की बताई गई है। दावे और भी अलग हैं, लेकिन भगवान का अवतार कब होगा ये कोई नहीं जानता। आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक भक्तों का काम सिर्फ इंतजार करना है। 11 फुट का चबूतरा होगा, इसके ऊपर वो शिखर 108 फीट ऊंचा होगा, ये चारों तरफ जो है इसके ग्रीनरी रहेगी, और इसमें 68 तीर्थ स्थापित किए जाएंगे ये जो चारों तरफ, बीच में शिवलिंग होगा, और ये 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे उस भव्य मंदिर में। विष्णु जी के दसों अवतार जो है वो। भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे, 9 का दर्शन करने के बाद 10वें कल्कि भगवान का दर्शन करेगा ये पूरा। और ये शिलाएं कहाँ से आएंगी, कौन सा? ये पिंक गुलाबी पत्थर से बनेगा, जिस पत्थर से सोमनाथ का मंदिर और भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी पत्थर को इसमें लगाया जाएगा। इसमें कोई स्टील लोहा उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। अब आप जैसे ही अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ मौजूद ये एक छोटा सा जो मंदिर है, हालांकि अंदर फिलहाल हम आ सकते हैं, हाँ आने की इजाजत दी जा रही है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कैसे कल्कि स्वरूप की जो पूजा है वो की जाती है, और आने वाले वक्त में एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा जिसमें कलयुग के देवता यानी कल्कि स्वरूप भगवान विष्णु के 10वें अवतार की पूजा की जा सके, और इसके लिए शिलान्यास समारोह का आयोजन भव्य स्तर पर किया गया है जो कि 19 फरवरी को होने वाला है। ऐसे में कल्कि भगवान कौन है? एक बहुत सुंदर कहानी है, एक बहुत कहानी नहीं है, सख है, हकीकत है। जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा गया है, उसमें ये वर्णित है कि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा तो संभल की पावन धरा पर विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ वो अवतरित होंगे। 19 फरवरी की तारीख धार्मिक तौर पर काफी शुभ बताई जा रही है। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को कल्कि धाम के शिलान्यास का न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया था। पीएम मोदी के संभल दौरे को लेकर तूफानी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। यहां हजारों खास मेहमानों के लिए पंडाल बनाए गए हैं, आम लोग भी यहां बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद उत्तर प्रदेश के संभल में आजकल हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। जी हाँ, कुछ वैसी ही हलचल जो अब तक कुछ दिनों पहले अयोध्या में नजर आ रही थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और वजह भी उतनी ही बड़ी है। दिव्य और भव्य तरीके से कलयुग के देवता कल्कि अवतार के कल्कि धाम के शिलान्यास और मंदिर जो यहाँ पर निर्माण होगा उसके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, हालांकि 19 फरवरी की तारीख तय की गई है, जब इसी जगह पर संभल में, देखिए मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल्कि भगवान के जन्म से पहले ही उनके मंदिर की तैयारियां की जा रही हैं। यही वो जगह है जहाँ कल्कि धाम का निर्माण होगा, यही वो जगह है जहाँ पर 19 फरवरी को शिलान्यास होना है, और ऐसे में देखिए तैयारियां जो है जोर शोर से जारी हैं। कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का नाता सियासत से भी रहा है, इसलिए इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वे इस साल के लोकसभा चुनाव में संभल से मैदान में उतर सकते हैं। अब तक कुछ तय नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा भी है कि बीजेपी उन्हें संभल से टिकट दे सकती है। इस संभल में अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा है।
इस लोकसभा सीट से एसपी के शफीकुर रहमान बल्ख सांसद हैं। उन्हें एसपी ने इस बार फिर से टिकट दिया है। ऐसे में मुमकिन है कि यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम को बीजेपी मैदान में उतार दे और वो बल्ख को सीधी चुनौती दे। अब सबकी निगाहें 19 फरवरी पर है, जब सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां कल के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। संभल के कल की धाम से प्रदीप और ज्योति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देखिए